स्वागत है आप सभी का कहानियों का अनोखा अंदाज के मंच पर। आज भी आप एक कहानी ही सुन रहे हैं। जी हाँ, कहानी जिसमें जरूरी नहीं कि कोई सच्चाई हो, लेकिन कभी कभी कहानियां ऐसा सत्य कह देती हैं जो जीवन में भी उपलब्ध नहीं होता है। ये चैनल बहुत बड़ी हाइट्स अचीव करेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जितने भी चैनल्स हैं उसको बहुत चोटी की टक्कर देगा। ये मेरी इनर फीलिंग है, बिकॉज मैंने इनको काम करते देखा है, इनका प्रोग्राम्स की तरफ इन्वॉल्वमेंट देखा है, पर आज की डेट में इतने इन्वॉल्वमेंट से काम करने वाले ये पहले बंदे हैं जिनको मैं बहुत इज्जत से सलाम करता हूँ। एक राजा के राज्य में एक बड़ा मूर्तिकार हुआ करता था। उसकी ख्याति बड़ी दूर दूर तक फैली थी। दूर देशों तक उसका नाम और उसकी कीर्ति पहुंच गए थे। उसकी मूर्तियां विश्व के सभी बाजारों में बिक रही थी और शायद ही कोई ऐसा राजमहल हो जहां उसकी मूर्तियां ना पहुंची हो। उसकी ख्याति और उसका यश दोनों ही बड़े थे। यश और ख्याति में उसे याद था कि एक दिन मृत्यु भी आ जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। उस बड़े कलाकार और मूर्तिकार ने आते हुए बुढ़ापे को देखकर सोचा कि मृत्यु से बचने का कोई उपाय किया जाए, और फिर एक सीधी सी बात उसे सूझ गई। उसने अपनी ही 11 मूर्तियां बना ली और जिस दिन मौत उसके द्वार पर आई वो उन 11 मूर्तियों में छिपकर खड़ा हो गया। उसकी कुशलता इतनी अद्भुत थी कि यह तय करना मुश्किल था कि कौन मूर्ति है और कौन असली। उन 12 मूर्तियों में असली मूर्तिकार को खोजना कठिन था। और फिर एक दिन मौत आ गई। मौत भीतर आई, मौत घबरा गई। जिसको लेने आई थी वैसे ही 12 लोग वहां मौजूद थे। वो मूर्तिकार भी सांस बंद किए मूर्तियों के बीच में चुपचाप मूर्ति बनकर खड़ा हो गया था। पहचानना कठिन था कौन असली है और कौन नकली। एक को ले जाना था, 12 को तो ले जाया नहीं जा सकता है। भूल करना उचित न था। मौत वापस लौट गई और उसने जाकर परमात्मा से कहा, हे प्रभु, वहां तो 12 लोग एक जैसे मौजूद हैं, मैं किसको लाऊं? और जो असली है उसका पता कैसे चलेगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, आप ही मदद करें। परमात्मा ने मौत के कान में धीरे से कुछ कहा और फिर बोले, जाकर इस सूत्र को बोल देना, जो असली है वो बाहर निकल आएगा। परमात्मा को प्रणाम करके मौत वापस उस मूर्तिकार के भवन में लौटी जहां मूर्तिकार अपनी मूर्तियों के बीच में छिपकर खड़ा हुआ था। मौत भी भीतर गई। उसने एक एक मूर्ति को गौर से देखा, फिर वो अचानक बोली, और सब तो ठीक है मगर इस मूर्ति में थोड़ी सी भूल रह गई। और जैसे ही उसने ये कहा कि और तो सब ठीक है थोड़ी सी भूल रह गई, वो मूर्तिकार बोला, कौन सी भूल? तब मृत्यु ने कहा, यही कि तुम अपने को नहीं भूल सकते हो, और इस बात को तुम नहीं भूल सकते हो कि तुमने इन मूर्तियों को बनाया। बाहर आ जाओ, तुम पकड़ लिए गए, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। कहानी खत्म। आइए देखें क्या सीखा हमने मूर्तिकार की इस कहानी से। यही कि मूर्तियां बनाई थी उस चित्रकार ने, लेकिन वो अपने मैं को नहीं भूल सकता था। मैंने बनाई है, मैं हूं। जब मृत्यु से रास्ते में मूर्तिकार ने पूछा कि अगर मैं अपने मैं को भूल जाता कि मैं हूं तो क्या होता, तब मृत्यु ने कहा, मैं तुम्हें खोजने में असमर्थ हो जाती। मैं, अहंकार, ईगो, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। ईगो का होने का मतलब है कि ईश्वर का हमसे अलग होना। ईगो मीन्स एजिंग गॉड आउट। इसलिए जब हम अपने मैं को, अपने अहंकार को, अपने ईगो को भुला देते हैं तो हमारे लिए मृत्यु का कोई अर्थ नहीं होता है। मृत्यु हमें खोज ही नहीं पाती। एक बार अहंकार या ईगो का विसर्जन हो गया तो मनुष्य अमृत को प्राप्त कर लेता है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं। यदि आपका अहंकार शुरू होता है, मैं महत्वपूर्ण हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं विशेष हूँ, तो इसका अर्थ ये होता है कि आपको ब्रह्मांड का कोई ज्ञान ही नहीं है। उसकी तुलना में आप सूक्ष्म क्या कुछ भी नहीं है। आपके पास एक कमजोर पोत है, नाव है, जिसे मानव शरीर कहा जाता है, जो पृथ्वी पर ही सीमित है। तो इस कहानी को देते हैं यहीं पूर्ण विराम। अगली बार फिर सुनेंगे ऐसी ही कोई अनमोल कहानी, और उसके अर्थ को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज़।